नमस्कार मेरे दोस्तों, सरकारी नौकरी login.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2018 जहाँ पे 158 वैकेंसी है फॉर LDA कॉपीस्ट टाइपिस्ट पोस्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ LDA कॉपीस्ट टाइपिस्ट पोस्ट। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट तारीखें की, तो इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 27 नवंबर 2018, लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी है 30 नवंबर 2018। अभी हम बात करेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट वैकेंसी डिटेल। पहले पोस्ट के नाम के बारे में बताएंगे। पहले बेरपाटा पोस्ट में है 11 वैकेंसी, बोंगाईगांव में है 3, कचर में है 12, चिरांग में है 5, दारंग में है 4, धेमाजी में है 4, धुबरी में 16, दिब्रूगढ़ में 3, दीमा हसाओ में 1, गोलाघाट में 11, हैलाकांडी में 2, जोरहाट में 9, कामरूप में 7, कामरूप अमीनगांव में 2, करीमगंज में 3, लक्ष्मीपुर में 4, मोड़गांव में 4, नंदगांव में 12, नलबरी में 6, सिवासागर में 19, सोनितपुर में 8, तीनसुकिया में 3, उडलगुरी में 9। अभी हम बात करेंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। देखिए, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम में फ्रॉम अ UGC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, और एज अ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन सही टाइम पे जाना चाहिए। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, और आपके पास एडिक्यूट नॉलेज होनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट ऑफ आसाम, दैट इज आसामीज। अब हम जहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं तो जनरल की रहती है 18 से 44 ईयर, OBC या MOBC के लिए रहती है 18 to 47 ईयर, SC या FT के लिए रहती है 18 से 49 ईयर, PWD के लिए रहती है 18 से 54 ईयर। अभी हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, वो है 158। अभी स्केल ऑफ पे की हम बात करते हैं तो वो रहता है 14,000 to 49,000 विद अ ग्रेड पे ऑफ 5600। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है फॉर LDA कॉपीज या टाइपिस्ट पोस्ट? देखिए, सिलेक्शन होता है बाय कॉमन रिटन टेस्ट। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर गुवाहाटी हाईकोर्ट जॉब 2018? देखिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं जो कि है www.gscon.gov.in। जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करते हैं तो SC/ST के लिए रहती है 150 रुपये, अदर कैंडिडेट के रहती है 300 रुपये। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक में दिया है, वो लिंक में अगर आप क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन एक PDF के फॉर्मेट में सेव हो जाएंगी, जिसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं बिना नेट के। अगर दी हुई जानकारी से आपको हेल्प मिली और आपको लगता है आपको और ऐसी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको एक सूचना या नोटिफिकेशन मिल जाएगा।